हे हाय डियर सीएमए बडीज एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए मैं फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ है चाहत मोंगिया। एंड चाहत बेसिकली दिल्ली साउथेक से बिलोंग करती है। और अभी चाहत ने रिसेंटली सीएमए फाइनल क्वालिफाइड किया है और इनका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है। इनका कैंपस टीपीएम कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में एज ए कंसल्टेंट हुआ है, जो नियर टू इनके घर के पास ही है, अप्रोक्स 2 किलोमीटर के रेंज में। एंड ऐसे तो इनका सिलेक्शन आईटीसी में भी हो गया था, बट ड्यू टू लाइक लोकेशन, चाहत को विथ इन दी दिल्ली जॉब चाहिए थे और फाइनली उन्हें विथ इन दिल्ली जॉब मिल गई। इसलिए इन्होंने आईटीसी के लिए थोड़ा सा लोकेशन के इश्यू की वजह से इनका आईटीसी नहीं हुआ, बट जो चाहिए था वो एट दी एंड इन्हें कैंपस में मिला। सो सबसे बेस्ट थिंग अबाउट दी स्टोरी, और हम स्टार्ट करते हैं चाहत की स्टोरी। आपको ये स्टोरी अप एंड डाउन्स के बारे में बताएगी, बिकॉज चाहत के अटेम्प्ट्स भी लगे थे बट फिर भी इनका कैंपस भी हुआ, और प्लस आप देख सकते हो कितना स्माइल है फेस पे। हाय चाहत, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम डूइंग एक्सेलेंट भैया, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू भैया, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड शेयर माय सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। तो चाहत, जब कैंपस में तुम्हें ऑफर मिला तो आपकी फीलिंग कैसी थी? बिकॉज आप दिल्ली में ही आप जॉब सर्च कर रहे थे। आपने मुझे पहले भी बोला था कि भैया मुझे बस दिल्ली में ही जॉब मिल जाए, और वो आपको एट द एंड आपको मिल गया, तो फीलिंग कैसा था आपके लिए? हाँ भैया, आई वॉज कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड। आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड, सो प्राउड। माई पेरेंट्स वर सो हैप्पी, दैट मेड मी मोर हैप्पी। सो आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड, स्टिल आई एम सो मच ग्रेटफुल। आई फील सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर बींग देयर। थैंक्स। तो अच्छा, आपको कैंपस में जब आपका सिलेक्शन हुआ देन आपने मुझे भी बताया था। सो आफ्टर इट कि जो मैंने आपको मेंटरशिप दिया था वो आपको कैंपस में काफी हेल्प किया? यस डेफिनेटली भैया। भैया व्हेन आई ज्वाइंड योर कोर्स एंड टिल द डेट ऑफ कैंपस यू वर देयर, सो एवरी टाइम यू वर अवेलेबल ऑन कॉल्स। भैया ऐसा होता है ना दैट वी हैव द टैलेंट बट वी नीड समवन टू गाइड। यू वर देयर टू गाइड अस एंड थ्रू योर गाइडेंस वी कुड रीच आवर गोल्स, वी कुड अचीव देम। सो यस, यू डेफिनेटली हेल्प्ड अस अ लॉट एंड यू द ग्रुप डिस्कशंस वी डिड, you provided us, you were giving, for me, you were a constant motivator. At every level, you were telling me that you will definitely get selected, you have the capabilities. So, yeah. Thank you, भैया। तो ऐसे भी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी था और है भी, फ्यूचर में भी तुम बहुत अचीवमेंट्स करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे। स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। अच्छा, आपने सीएमए कोर्स कैसे आपने ज्वाइन किया? वो मोमेंट कैसा था आपके लिए जब आपको सीएमए के बारे में पता चला और आपने फिर जाके आपने इनरोल किया? सीएमए फाउंडेशन से आपने स्टार्ट किया था, राइट? Yeah, I started with foundation. So, in 11th and 12th, now we had career counseling sessions in our school. So there, I got to know about the professional courses, and I wanted to do something which is unique. Also, my reason for opting CMA first was it was unique. Second, I feel as compared to CA, it is a shorter duration course because of the articleship period is less in this. So at my time, it was 6 months. So because of that, secondly, I chose CMA because it was a shorter duration course. Third reason is I realized this in COVID. In COVID, na bhaiya, what I realized is not only earning is important, saving is equally important. So we being cost accountants, our main focus is on cost reduction, cost control, cost optimization, and we help the company in saving, basically the cost part, because if you want to increase the profits, either you increase the sales or you reduce the cost. So we are playing a very crucial role in the organization. So that's why I chose CMA. ग्रेट। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर फाउंडेशन, तो आपने 12th के बाद आपने फाउंडेशन स्टार्ट किया और आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोफेशनल कोर्स में थे, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटर या गाइडेंस करने वाले उस समय कोई था कि आपको कैसे करना है, कैसे एग्जाम्स होंगे, या फिर आप सब कुछ आपने बाई सेल्फ मैनेज किया स्टार्टिंग में? So when my 12th results were declared, so then I filled for foundation exams, and on the basis of merit, I got admission into Motilal Nehru College, Delhi University South Campus.
I was into BCom honors also, like doing my graduation in BCom honors. So the course was very much similar. So that helped me in clearing my foundation in the very first attempt. And in foundation, I did not take coaching for any of the subjects. So because college was enough for me, like the studies in the college were very much similar to foundation course. So that helped me in clearing in first attempt. Okay. So like when you cleared your foundation, like this was like a big achievement of your life. You went into like a professional course and cleared your foundation in one shot. So how was your feeling at that time? But yeah, I was very happy. Like my parents were not in Delhi, they were out of station. When I informed them, they were also very happy. And I was also very happy. This was like I cleared the first stage. Now two more stages were left and everyone was like, hota na, dra dete hain log, abhi to inter final baki hai, that type. So yeah, I was nervous as well and I was happy as well. Great. So like after that, aap both group ke saath gaye ya fir aapne single group ko aapne target kiya? So भैया in inter also and in final also I opted to go for single group. Okay. The reason for opting for going for single group, first is everyone like go for single group. The main reason is because we cannot perform under pressure. Mm-hmm. And giving both groups is like taking too much pressure, giving too much pressure on your mind. So I cannot handle that much pressure and I cannot perform better in pressure. Second, I believe when you appear for single group at a time, you get more time to focus on studies, you give more time to particular subjects. So your basics are bit more clear than the person going for both groups because they have like diverted their attention now. So you can concentrate on four subjects easily as compared to eight subjects. Right. So जब आप single आप group के साथ आप गए तो आपका क्या intermediate में फिर भी आपको challenges आए थे, आपके attempts लगे या फिर आपने one shot में आपने clear किया? Inter I cleared in the very first attempt. Both groups I had paired single group at a time, but I cleared them in the first attempt. And I faced challenges in inter as well. For few subjects I had taken coaching, rest I did self study. Okay. So along like the main challenge was to handle my CMA inter studies along with college, because college also demands 75% of my attendance. So my schedule was very hectic at that time. I used to go to college, then from college to coaching, then coming home doing the self study. And when I after like inter, I had to do articleship as well. So managing college articleship, that was also very challenging for me. So yeah, I gave my best. Okay, so आपने regular college plus आपने CMA intermediate दोनों आपने manage किया simultaneously. Great. Yes, ma'am. So after that, like ना internship का आपने, मैंने आपका resume देखा था, आपने बहुत सारे type के internship कर रखे थे, like digital marketing से related भी और CMA से related भी और other internship. तो इतनी सारी चीजें आपने कैसे की? So भैया when we go to like college ना, regular college में you get into various social activities also, because वहाँ पे थोड़ा distraction हो जाता है. There are so many societies, you get into that. And I was into photography society as well. I was into art society as well, because I also have like I'm a Zentangle art enthusiast, so I have interest in artwork also. So I just tried to manage all of the things. And when you like prioritize things now, you take out time for each and everything. So I manage it somehow. Okay, great. अच्छा, आपने लाइक स्कूल लेवल पे भी काफी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा था और आपको काफी सारे उसमें भी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं. तो लाइक आप शुरू से आप पढ़ाई को लेके या फिर कंपटीशन में आपका हमेशा इंटरेस्ट रहता था? सो भैया शुरू से ना आई हैव बीन अ स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन, बट नॉट अ टॉपर. आई वाज एवरेज स्टूडेंट. पढ़ना भी पसंद था, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना भी, but more into like art competitions, art doing like artwork, more into that. Yeah. Okay. अच्छा, सबके लाइफ का कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कि आप उसको देख के आप इंस्पायर होते हो. तो आपके लाइफ का क्या था सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ मोटिवेशन? Okay, so my mother is also working. So my mother was my role model, my mother. So I see her na daily, that she's
लाइक डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर अस एंड मतलब सबके पेरेंट्स ही करते हैं सबके लिए. तो मेरे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे तो उनके लिए ही मैंने सब कुछ किया. और लास्ट में भी दे वर वेरी हैप्पी लाइक आई हैव डन दिस टू मेक देम प्राउड एंड व्हेन दे आर हैप्पी सो दैट मेक्स मी मोर हैप्पी ना. या राइट राइट. सो आफ्टर इट आप जब लाइक आपने सीएमए की ट्रेनिंग आपने फॉर्म से की थी या फिर आपने कंपनी से की थी? भैया फर्स्टली आई डिड इट फ्रॉम अ फर्म. आई लाइक डिड 6 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप ओवर देयर. देन आई हैव आल्सो डन इन 2 मंथ्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो आई हैव एक्सपीरियंस इन बोथ. सो इन द फर्म आई मेन माय मेन वाज इनटू अकाउंटिंग जीएसटी एंड आरओसी वर्क आई डिड देयर. ओके. और आई थिंक आपने एसएफआईओ में काम किया था शायद 2 मंथ्स. यस भैया. ओके. So, ये क्या लोधी रोड में जो एसएफआईओ है वो या फिर कहीं और है? नहीं नहीं लोधी रोड वाला ही. अच्छा अच्छा लोधी रोड वाला है. तो आपका कैसा रहा लाइक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में आपने गए, आपने 2 महीने आपने वहां पे काम किया था, आपको कैसा फील हुआ वहां पे काम करने के बाद? इट वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस भैया. बिकॉज वहां पे ना जैसे मेन वर्क वॉज लाइक इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक यू नीड टू बी सस्पिशियस टू फाइंड आउट. देयर आई गॉट टू लर्न हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउ टू लाइक गो डीप इन टू दैट. लाइक आई लर्न सो मेनी थिंग्स इन दैट 2 मंथ्स एंड दैट माई एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वेरी गुड. ओके. अच्छा व्हेन लाइक व्हेन यू एंटर इनटू फाइनल आफ्टर डेट, तो आपके लिए फाइनल बूथ ग्रुप था आपने, मतलब सिंगल सिंगल ग्रुप ही आपने वहां पे भी दिया, बट अगेन लाइक सिलेबस इज वाइड, लाइक लॉ का सिलेबस था एंड अदर सब्जेक्ट भी काफी थे, तो आपने कैसे अपने फाइनल की स्टडी मैनेज की? आपने ट्रेनिंग के साथ मैनेज किया या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपने फाइनल की स्टडीज अपने स्टार्ट की? ट्रेनिंग के साथ भैया ग्रुप 3 मैनेज किया मैंने. तो ट्रेनिंग के साथ साथ ग्रुप 3 की तैयारी की. और ग्रुप 3 में ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी मच वाइड, द सिलेबस इज सो वास्ट. सो आई क्रैक माय ग्रुप 3 इन द सेकंड अटेम्प्ट. एंड ग्रुप 3 में आई टुक लाइक कोचिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स. या ओके. सो ऑल्सो अलोंग विद दैट ना आई वॉज ऑल्सो मैनेजिंग माई कॉलेज एज वेल. Okay. So my articleship also, my college also, and group 3 is such a huge thing. So I think that for that reason attempt lag gaya. Group 3 mein aapka attempt lag gaya. And group 4? Group 4 also, at that time I was doing articleship at the organization SFIO, as you mentioned. Okay. I was doing there. Okay. I was giving my MCOM exams also. Mm-hmm. So group 4 also I had only 6 months. So I cleared in all the papers, but CFR में रह गया था, so CFR के वजह से फिर attempt लग गया. But I cleared finals in my second attempt. मतलब आपने second attempt में अपने group 3 भी clear किया and second attempt में अपने group 4 भी clear किया, right? Okay. Yeah. So like आपने जब पेपर दिया था उसके बाद ही आपने मेरी मेंटरशिप आपने ज्वाइन की थी, आपने रॉकर इंटरव्यू कोर्स आपने ज्वाइन किया. सो लाइक आपको कोर्स कैसा लगा था रॉकर इंटरव्यू, आपने कंप्लीटली उस कोर्स को देखा? सो द भैया द कोर्स यू हैव डिजाइंड इज लाइक इज सुपर्ब. आई वुड से लाइक इट वाज अमेजिंग द कंटेंट द चैप्टर्स यू हैव क्रिएटेड इन दैट. द पीडीएफ यू प्रोवाइडेड अस, the study material and everything, it was like to the to the point and very much like easy to cover. So and your mentorship was there, so yeah, because of you I could crack this interview. Okay. अच्छा आप जब इंटरव्यू में आप गए थे लाइक आपका आईटीसी में भी इंटरव्यू हुआ था एंड फिर आपने टीपी में भी दिया था, इसके अलावा भी आपने किसी और कंपनी में इंटरव्यू दिया था कैंपस में? No, I was selected into Modlema as well, but I could not appear because I had already been selected in TPM na. Okay. So, like, so आपने already अपने उसकी journey आपने बता दी कि आपका TPM में selection हुआ था and like course curriculum के बारे में. अच्छा आप मुझे ये बताओ like आपका कुछ टाइम हो चुका है already, आपने TPM में अपना कुछ टाइम दे लिया है, तो like आपको जैसे आप जो आप expect कर रहे थे क्या वो सारी चीजें आपको मिल रही है अभी? आप जो सोच के आपने सीएमए कोर्स किया, क्वालिफाई हुए और आज आप जो काम कर रहे हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो अभी तक आपकी जर्नी से? यस भैया मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ. लाइक आई एम गेटिंग मच मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड बिकॉज
after like life after CMA, if I share with you how's the life, there is no study pressure now, there is no, you feel mentally so much relaxed, there is no pressure that you need to go home, you need to study, you can go to parties, you can meet your friends, you can go to your relatives, you can go anywhere, like you become financially free, you are now independent, you can fulfill all your parents' dreams, and everyone is so happy, so I am also very much happy. So like in my company also now, the work culture, the work environment, everything is bahut acha hai, matlab sab kuch main bata nahi sakti, and I'm so much grateful, blessed, I feel so proud. Thank you Bhaiya. Yeah, definitely. अच्छा एक क्वेश्चन और भी मेरा, मेरे पास बहुत सारी मतलब गर्ल्स स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर CMA करना लड़कियों के लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि CMA का वर्क फैक्ट्री में होता है, तो आप ऑलरेडी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर कर चुके हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दो, क्या गर्ल्स को CMA कोर्स so, करना CMA, चाहिए? गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, सबके लिए बिल्कुल सही कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, यू शुड डेफिनेटली गो इन टू दिस. Even after clearing CMA, na, I am also receiving so many calls. Like they are asking, what is the scope of CMA? What can we do? So I just tell them that you can go into job, you can go into practice, and job also you can go into manufacturing sector, you can go into service sector, like banking sector, you can get into that. Also, even the big fours are hiring CMA. So there is a lot more scope, lot of opportunity for CMA, and I would say like sky is the limit. बिकॉज CMA ना अपने आप में ही ऐसा कोर्स है, अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं भी करते ना, इट विल कीप गिविंग यू पुश, मतलब करियर में आपकी ग्रोथ होती रहेगी. So value for money आप बोल सकते हो इसको, like आपका जो investment था इस कोर्स को लेके वो success हुआ है, right? हाँ definitely. तो बस आप भी यही ट्राई करना कि जब भी आपसे कोई लोग पूछे CMA कोर्स के बारे में, तो ट्राई टू अवेयर कि आपका प्रोफेशन और आपका कोर्स क्या है. और बहुत जल्द आप भी ट्राई करो, जब आपकी एक्सपीरियंस कंप्लीट हो तो आप मेंबरशिप ले लो, एंड देन यू कैन बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, होप सो कि आप लाइफ में और अचीवमेंट्स लेते रहो, और हम आपके फिर से वीडियोज रिकॉर्ड करते रहें. थैंक यू भैया, एंड आप मेरे CMA जर्नी का पार्ट थे. आपको और जितने भी मेंटर्स, जितने भी मेरे ट्यूटर्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, मैं सबको मतलब इसके थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प की इसको क्लियर करने में. और कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जैसे भाई आप जानते हो कि इस बार दिल्ली कैंपस के लिए बहुत कम टाइम दिया था, right. और कंपनीज भी कम थी, एंड ओनली अराउंड 25% स्टूडेंट्स का ही कैंपस हुआ है. So being in those 25%, I am really grateful and really thankful to you. Thank you so much, Bhaiya. Once again, thank you for giving me opportunity to come on this platform and express myself, share my story. Thanks. Bye-bye. Take care and all the best.